नहीं कह रहा सपना छोड़ दो, क्यों नहीं चलेंगे यूपीएससी में? बिकॉज आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो हर कुछ लगा के इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश कर, पर एक ही चीज को देखने के इनफिनाइट परस्पेक्टिव या डायमेंशन हो सकते हैं, तो उस 69 नंबर के सच बहुत ज्यादा है, अच्छा इनफिनाइट सच है बेसिकली। या तो आप किसी भी डायरेक्शन के ऊपर खड़े होकर देखो, वो आपका सच है, पर वो आपके लिए है, बाकियों का सच और हो सकता है। ये है अनेकवाद की थ्योरी। दुनिया में जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वो सच है, पर उसके साथ साथ पैरेलल सच होते हैं, और इसी वजह से लड़ाइयां होती है कि हमारा सबसे सही है। तो जब मैं उनको उस तरह से समझाने की कोशिश, क्लिक होता है कि चीजों को देखना कैसे है, चीजों का कौल ब्रो, विशेष साइकिल में फंसने का क्या कारण है एस्पिरेंट्स का? मतलब मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आपकी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कंटेंट को कंज्यूम करने की। तो जब आप चीजें पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी थकेगा। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हमारे में स्ट्रेंथ 10 किलो की है, हमारे 7 किलो का कोई डंबल रख दिया जाए, हम उसको नहीं उठा पाएंगे। और एक जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन है, इंटरनेट वगैरह सबके पास है, तो क्या हुआ कि 1-1.5-2 लाख वाला कोर्स हम 10-20 हजार में मिल रहे हैं। यस, एटेक जो भी बच्चे स्टार्टअप है वहाँ। बच्चों को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत सस्ता कोर्स मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि सपना भी उतना ही सस्ता है। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट विशेष साइकिल में फंस चुका है, जो 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट या 5वां 5th नंबर ऑफ रनिंग अटेम्प्ट्स में है, तो वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप कैसे, मतलब एग्जिट प्लान क्या हो उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अल्टरनेटिव? उस साल काफी अच्छे नंबर आए थे, 114 प्रीलिम्स में आए थे, पर कट ऑफ उस साल 116 थी, या थोड़ी बहुत तैयारी से पेपर निकलता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आपको ये लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो अगर बाकियों को 12 महीने लग रहे हैं, आपको 10 लग जाएंगे। आप ये नहीं हो सकता कि आपको 6 महीने में आपका हो जाए फर्स्ट एंड। बेसिकली जो कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर रोज उठेंगे पढ़ेंगे, 7 से 4 3-4 घंटे लगते थे इनिशियली। वो 2 साल मेरे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल थे, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत की कि हर सब्जेक्ट को समझा, तभी आज कंसेप्ट आते हैं, तभी आज मैं हिस्ट्री ढंग से पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी सब्जेक्ट समझ में आते हैं। हर रोज 6 से 7 घंटे तो हैं मिनिमम करना है। मिनिमम करना, वो बढ़ के किसी दिन 8 हो जाएंगे, किसी दिन 9 हो जाएंगे। नोट जरूरी है अच्छा जी, बहुत यूपीएससी ज्यादा। जर्नी में आपने, आपका फर्स्ट मेल फ्रेंड कौन था, वही रूममेट था? कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी यूपीएससी में? एस्पिरेंट को प्रीलिम्स, एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मेंस के प्रीलिम्स लिए कितने टेस्ट चाहिए, और ओआरएन आना कितना जरूरी है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन यूपीएससी जिसको आप बहुत, यूट्यूब यूट्यूब पे पर क्या सर्च करना पसंद करते हो, गूगल पे आप क्या सर्च कल करना ब्रो? पसंद मुझे ये है। बताइए कि सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम करता है यूपी कभी लाइफ सर्च में? डेटिंग ऐप यूज़ किया? 3 नॉन फिक्शन बुक्स हमारे ऑडियंस के लिए हाँ, बताना चाहिए। बहुत छोटी चीज है, इंसान कुछ भी नहीं होता वो इस तरह का। व्हाट यू लव डूइंग इन फ्री टाइम मीन्स एज ए हॉबी? तीन फ्रेंड्स को बुलाना चाहे हाउस पार्टी के लिए अपने घर में, मतलब पार्टी करने, तो 3 फ्रेंड्स कौन होंगे आपके लाइफ में जो अरेंज अभी मैरिज करना चाहोगे कि लव ये मैरिज, जो मैरिज का है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, और उनको कब, एट व्हाट एज उनको मैरिज कर लेना चाहिए आपके हिसाब से, ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन करना हे चाहिए? गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट पापा सॉरी? यस पापा सॉरी, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड द टैगलाइन इज डेयर टू से नो टू वन मोर अटेम्प्ट। सो गाइस, टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, हिज नेम इज कवलजोत सिंह बवीजा। सो गाइस, आज का जो इंटरव्यू है ना, काफी खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि गाइस इसमें हम लोग दो पर्सपेक्टिव कवर करने वाले हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट का पर्सपेक्टिव एंड यूपीएससी फैकल्टी का पर्सपेक्टिव ऑन यूपीएससी जर्नी, राइट? तो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट कवल ब्रो, वेलकम पापा सॉरी। शुक्रिया जी, कैसे हो ब्रो? ठीक चल रहा है? कैसे? हाँ मैं भी बढ़िया ब्रो। तो गाइस, आज का इंटरव्यू काफी कैजुअल और अनफिल्टर्ड टाइप होने वाला है ऑन पापा सॉरी, और इनके एक्सपीरियंसेस जो भी है यूपीएससी को लेके, यूपीएससी जर्नी को लेके, वो इस हम लोग इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। तो कवल ब्रो, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपका यूपीएससी का जो जर्नी है ना, यूपीएससी का जर्नी का जो फर्स्ट थॉट यूपीएससी के बारे में आपको कब आया था, मतलब और कौन से साल में आया था? मतलब कि मेरा ख्याल कभी भी नहीं था दैट आई वाज नेवर इनटू दिस डायरेक्शन, दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब मैं कॉलेज टाइम में ढंग का बच्चा नहीं था, कि मैं बहुत पढ़ता नहीं अच्छा, था, जैसे एडमिशन भी डोनेशन से ही हुआ था। अच्छा,
पहले 2 साल कॉलेज के ठीक है निकल रहे हैं, दूसरे साल में सपने अभी तो सब कुछ था, तो मन में ये था दैट देयर इज अ फाइनेंशियल बैकिंग इन द होम, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को, अच्छा कभी ध्यान ही नहीं दिया स्कूल में कॉलेज में, बट आई आई वाज अ ब्राइट चाइल्ड, क्या अगर यू मैं पढ़ चाइल्ड नहीं, शुरू हमेशा हमेशा से अलग हमेशा से कि अगर मैं पढ़ूंगा सो आई विल स्कोर, पढ़ाई नहीं कभी तो अलग बात है कि नंबर नहीं है। लेवल का कॉन्फिडेंस तो आपके पास हाँ तो फेल हो गया, तो 2 सप्ली आ गई, तो उस वजह से क्या हुआ कि लगा कि कुछ करना चाहिए, और ऊपर से क्या हुआ कि घर पे कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे शोरूम्स थे, तो फादर साहब ने कहा कि नाउ इट इज द टाइम कि तुम सब खुद करोगी, दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद द मनी इन केस यू वांट टू स्टडी एंड ऑल, पर खुद से करना पड़ेगा कि कब तक रिलाई करते रहोगे घर के रिसोर्सेज के ऊपर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लर्न दैट कि अब कुछ करना है। तो कमलपुर मुझे आप ये बताइए कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो आप तो कह रहे हो कि वीसेस साइकिल में वो गलत अप्रोच की वजह से ही फंस जाता है, लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट वीसेस साइकिल में फंस चुका है, जो 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट या 5वां 5th नंबर ऑफ रनिंग अटेम्प्ट में है, तो वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप कैसे, मतलब एग्जिट प्लान क्या हो उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अल्टरनेटिव एज ए अल्टरनेटिव कि मतलब मतलब। मान लो जो सबसिक्योरेंट अटेम्प्ट में है, हाँ तो अगर वो उन्होंने पहले चीजें ढंग से पढ़ी हैं, हाँ तो एक तो यही जो हमारी फील्ड है कि आप इसमें एंट्री कर सकते हो, अगर आपको कंटेंट आता है, अगर आपको नॉलेज है, तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, मिलेगा लोअर लेवल के ऊपर, क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सीधा जाके टीचर बन जाएंगे। आप सीधा जाके कैसे बन जाओगे, एक प्रोसेस है ना हर चीज का, कि जब मैंने शुरू किया था मैं आंसर चेकर था, अच्छा, आंसर चेक किए, 1 साल आंसर चेक ही किए हैं, आंसर आंसर लिखने आते थे, आंसर ही चेक किए, तो आपने आंसर हिस्ट्री का चेक किया था नहीं कि सारे आंसर लिखने के क्या आते थे, वही है ना कि मैं अगर ढंग से पढ़ा था तो मेरे को जब आंसर चेकिंग दी गई तो मैंने उसमें आउटस्मार्ट कर दिया बाकी जो मेरे साथ के आंसर चेकर थे, क्योंकि मेरे को मेरा सब्जेक्ट आता है, ओके ओके मेरे को बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं, जब तक मेरे को वही नहीं आता होगा मैं सिर्फ मॉडल आंसर को देख के आंसर चेक कर दूंगा तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। तो रादर देन थिंकिंग अबाउट कि बहुत बड़ा बनना है, जस्ट थिंक अबाउट मैं अच्छा बनना बनूंगे, अच्छा अच्छा बनोगे किसी भी चीज में जाओगे, और अगर आपने यूपीएससी में 3-4 साल लगाए हैं और पढ़ा भी है उसके साथ, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे का सोच सकते हो। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप कुछ तो एक्सेल करोगे ही बाकी बंदों के मुकाबले, नो डाउट एंट्री मुश्किल होगी, लोअर लेवल के ऊपर ही होगी, पर सीधा तो कुछ भी नहीं मिलता जीवन। तो मतलब करना पड़ेगा हाँ, स्टार्ट। या तो आप इसी हमारी इंडस्ट्री में हो, इसमें लोअर लेवल के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन है ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या और अगर आप ये सोच समझ रहे हो कि क्यों है क्वेश्चन करना एकदम ठीक है, ये हर इंडस्ट्री में होता है, लोअर लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन होगी होगी अगर आपके पास वैल्यूज नहीं है, अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है। जैसे जैसे आप अपना स्किल सेट बढ़ाते होगे, लोग अपने आप आपको इज्जत देने लग जाएंगे। लोग आपको इज्जत क्यों देते हैं, आप में कुछ खास होगा तभी वो आपको इज्जत देते हैं, ये टू सो वेल फाइंड दैट योर गुड थिंग इन यू। तो अगर जिस दिन वो मिल गया काम के हिसाब से, तो आप उसी काम में आगे बढ़ जाओगे, जैसे मैं भी तो बढ़ा। हम। तो जो आपका जो ट्रांजिशनल, गाइस ऑन पापा सॉरी ब्रदर का ट्रांजिशनल जर्नी अभी कवर करेंगे, ट्रांजिशनल जर्नी ये रहेगा कि इनका कि फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट टू बीइंग ए यूपीएससी फैकल्टी, राइट। तो ब्रदर आपने कैसे, मतलब यूपीएससी फैकल्टी वाला जो जर्नी है आपका, वो मतलब आपको कैसे, मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये वाला एज ए करियर परस्यू करना है। इट वॉज नेवर गाइडेड डिसीजन कि यही करना है, तो जब पहला अटेम्प्ट दिया तो नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया था, ऑप्शनल तैयार करके नहीं गया था, एग्जैक्टली किसी ने बताया ही नहीं था कि हाँ ऑप्शनल बहुत ढंग से तैयार करना है, मेरे को अच्छा लगा ऐसे ही हो जाता होगा, अगेन गाइडेंस नहीं थी, मैं भी समझदार नहीं था, हाँ जितना जीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ के गया था उतनी ही हिस्ट्री से ऑप्शनल का पेपर दे आया था, तो उसमें 220 मार्क्स आ गए थे, ओके और ओके 808 806 आए थे, तो उस साल फिर बस नया एक एटेक में इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा था, तो वो मेरे टीचर्स थे, और वो बहुत ढंग के टीचर्स थे, हाँ मतलब आजकल के ऐसे नहीं थे, बहुत ढंग के टीचर्स थे, उनकी वजह से आगे जा पाए, तो उन्होंने शुरू करना था, उनके साथ काम करने लग गया, आंसर चेकिंग का काम मिला क्योंकि वो कर सकता था, मेंस देके आए हूँ, बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, तो आई एम एलिजिबल एनफ दैट आई कैन डू दिस थिंग, यस एंड यस अपार्ट फ्रॉम दैट माहौल बहुत अच्छा था उनका, मतलब कि घर जैसा फील होता था, टू बी फेयर, ओके कि ओके ठीक है घर ही है, कि यहाँ पर बैठे रहो, वहां पर टीकी टेबल था, खेलते रहो, जब टाइम मिले आंसर चेक कर दो। तो आप ये जो आंसर चेकिंग वाला जॉब जो ज्वाइन किया, तो आप कहाँ, चंडीगढ़ में ही थे? हाँ चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़, 5 साल पहले चंडीगढ़ ही का, ओके 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 तो
वहां से शुरू हुआ मेन्स आंसर, मतलब आंसर चेक करने लगा, फिर धीरे धीरे करके क्योंकि काम आता था आंसर लिखने आते थे तो मेन्स आंसर राइटिंग हेड बन गया। अब उसमें काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। उस टाइम पे मैंने सबसे पहली बार डेली आंसर राइटिंग लॉन्च की थी। उस टाइम पे कोई नहीं करता था डेली आंसर राइटिंग। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, हाँ लाइव आंसर समझाऊंगा 1 घंटे के लिए, हर अच्छा चीज को समझाऊंगा कि इसको सोचना कैसे है, लिखने आ कैसे है, इंट्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, बॉडी क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट, मतलब सिर्फ मॉडल आंसर कंटेंट नहीं डिस्कस कर रहा था, हर चीज डिस्कस कर रहा था मैं। तो उससे थोड़ा और नाम बना एंड देन देयर वाज अपॉर्चुनिटी कि करता रहा तो अपॉर्चुनिटी खुद से है कि हिस्ट्री अजय, की वैकेंसी है, हिस्ट्री अच्छा फैकल्टी ओके की, ओके, तो मेरे को आपने तो मौका ही चाहिए था, तो मैं क्या आप ओके रेडी थे मतलब। हाँ हिस्ट्री आती है तो हिस्ट्री तो करवाएंगे। पर जब जो उस टाइम पे लगता था ना हिस्ट्री आती है, नहीं आती थी। अच्छा हर साल मेरे को ये लगता है कि इस साल मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया इस साल, क्योंकि हर साल बच्चे खुश होते हैं कि इस साल तो मैं अच्छा कर गया। पर जब हर साल पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो वो साल बहुत खराब लगता है। क्यों? हर साल बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है नॉलेज के अंदर जब नई आप किताबें पढ़ लेते हो। तभी मैंने कहा कि टीचर शराब की तरह है, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। बट देर इज ओनली वन कैच कि आप एरोगेंट या इगोस्टिक ना हो जाओ, कि आप यूपीएससी को मत भूल जाओ। क्योंकि जब टीचर बहुत बड़ा हो जाता है ना तो वो बच्चों के हिसाब से सोचना कम कर देता है। उसको लगता है मेरा नाम बन गया, मेरे पास तो बच्चे पढ़ने आएंगे ही आएंगे। यस 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 पर जब आपने वो सोच लिया, आप एक इगोस्टिक एरोगेंट हुए, तो आप रेस से बाहर होने लग जाओगे, चाहे आप उसको रियलाइज भी ना करो। ओके 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 योर हिस्ट्री इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। आप हिस्ट्री कोई ऐसे ही पढ़ाने लग गए जो यूपीएससी में रेलिवेंट नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? यस जैसे मैं करवाता हूँ कई बार कि हिस्ट्री के कुछ सेक्शन में से कि जीवन में इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कि हिस्ट्री हमारे को सिखा क्या रही है, कि ये सीख जाओ तो जीवन सही हो जाएगा। तो हर बार की मान लो साम्राज्य बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, एम्पायर्स बनते हैं, गिर जाते हैं, क्यों हो रहा है ये? तो उस तरह से जब कोई टीचर समझाता है ना तो बच्चे को लगता है कि मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं जीवन के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कमल ब्रो मुझे आप ये बताइए कि पापा सॉरी पे कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट को जो ऑप्शनल चूज करता है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन फेज, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखने चाहिए कि मतलब कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहिए कि वैसा मतलब कि मेरे को लगता है इसका ना बहुत ऑब्जेक्टिव सा चीज है। हाँ अगर तो आपके पास जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है, अगर आप वही ले सकते हो तो वही लो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। पर हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में ही वो सब्जेक्ट हमसे पढ़ा। यस यू आर राइट अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो बहुत मुश्किल है इनको समझना। अगर आपको ये समझ में आ गए तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये आपको नहीं आते, आप जैसे बेसिकली स्कूल में क्या होता था, अगर उस मैथ के क्वेश्चन में नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें इंग्लिश नहीं है ना कि कुछ, या हिस्ट्री नहीं है, कुछ लिख दिया तो थोड़े से नंबर आ गए। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल ऑप्शनल लेना चाहते हो, बी वेरी श्योर दैट यू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट, यू हैव अ पैशन फॉर दैट सब्जेक्ट। सिर्फ इसलिए नहीं है ना कि मैंने बीएससी केमिस्ट्री में की थी तो मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है यूपीएससी तो की। एस्पिरेंट कैसे फाइंड आउट करेगा कि मेरे को इसके अंदर इंटरेस्ट है मतलब अगर जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर एस्पिरेंट को, अगर उसने अपने ग्रेजुएशन बिना लेने, खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है या नहीं। उसको पता होगा मुझे ये सब्जेक्ट आता है या नहीं। अगर मान लो उसको आता है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? और या फिर जो बाकी बच्चे भी, तो आपने मान लीजिए एक ऑप्शन को चूज किया कि मैं ये शायद ले सकता हूँ, तो एटलीस्ट पहले उसका सिलेबस खोल के देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, और ये देखो कि क्या आप उसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, कि जो पूछा गया है उसके एक दो चैप्टर पढ़ो। इस तरह से गलती नहीं करनी कि ऑप्शनल लेना था तो कोई भी ले लिया, एक साल पढ़ लिया फिर लग रहा है, या फिर एक अटेम्प्ट देने के बाद लग रहा है गलत ऑप्शनल चूज हो गया, उसी टाइम के ऊपर 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगा लो, बहुत अच्छा होगा। और जो भी आप ऑप्शनल चूज करोगे, मान लो जब ज्यादातर बच्चे मान लो एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआई या सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट चूज करते हैं जिनकी कोचिंग रेडली अवेलेबल है, जिनके नोट्स रेडली अवेलेबल हो, आपके पास एक गाइडेंस हो, मेंटर हो, तो जो भी आपको, आप पहले तीन दो तीन सब्जेक्ट्स नैरो डाउन कर लो, उसका सिलेबस देखो, उसका हर चीज देखो, और उससे फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लाओ कि मैं कौन सा लूंगा। ये नहीं करना कि टॉपर ये बन गया था तो मैं ये ऑप्शनल ले लेता हूँ, इससे ज्यादातर बच्चे निकलते हैं। आपको हो सकता है सोशोलॉजी दिखनी ना आए, हो सकता है आपका दिमाग पीएसआईआर में चलता हो, सकता है आपका बेंट एंथ्रोपोलॉजी का हो, पर आपने इसलिए पीएसआईआर ले लिया क्योंकि सब ले रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स आप फिर गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हो अपने लिए। आप वही कह रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड के ऊपर आके ना, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो ये मान के चलो दैट मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग आपको खुद करनी है।
तो गाइस ऑन पापा सॉरी ब्रदर का काफ़ी रिच एक्सपीरियंसेस है हिस्ट्री ऑप्शनल्स में, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ लर्निंग्स निकालने की कोशिश करेंगे गाइस। जो ब्रदर का पर्सपेक्टिव रहेगा काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव है इनका लाइफ को लेके, तो वही अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कवल ब्रो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो जैनिज्म का जो अनेकतावाद करके, तो उस फिलोसफी पे आपका काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव है, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो क्या मतलब अनेकतावाद मतलब कैसे रियल लाइफ में यूज किया जा सकता है इसको, मतलब समझने के लिए वर्ल्ड को। तो जैसे जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर शायदवाद, अनेकतावाद ये सारे हैं वहां हाँ। पर, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे अनेकतावाद को यही समझ के चले जाएंगे कि अनेकतावाद है कि बहुत सारे व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो इसलिए मैं बच्चों को इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे 69 ड्रॉ करता हूँ, 69 को अगर आप ऊपर से देखें नीचे से देखें हाँ। तो सेम दिखता है, ओके उस तरह के नंबर है वो, ऊपर से भी और नीचे से भी, नॉर्थ और साउथ से सेम दिखेगा, वेस्ट और ईस्ट से वो एक तरह से सेम दिखता है। हाँ तो ऊपर और नीचे के लोगों को लगेगा हमारा व्यू पॉइंट सही है, हाँ और ईस्ट और वेस्ट वाले लोगों को लगेगा हमारा व्यू पॉइंट सही है, ओके क्योंकि वो उस तरह से उस चीज को देख रहे हैं। पर एक ही चीज को देखने के इनफिनाइट पर्सपेक्टिव या डायमेंशन हो सकते हैं, तो उस 69 नंबर के सच बहुत ज्यादा है, अच्छा इनफिनाइट सच है बेसिकली। या तो आप किसी भी डायरेक्शन के ऊपर खड़े होकर देखो, वो आपका सच है, पर वो आपके लिए है, बाकियों का सच और हो सकता है। ये है अनेकतावाद की थ्योरी में, कि दुनिया में जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वो सच है, पर उसके साथ साथ पैरेलल सच बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से लड़ाइयां होती है कि हमारे को लगता है हमारा सच ही सबसे सही है। तो जब मैं उनको उस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ तो शायद उनको क्लिक होता है कि चीजों को देखना कैसे है, चीजों को समझना कैसे है। अब अनेकतावाद की ही थ्योरी है, शंकराचार्य की थ्योरी, आदि शंकराचार्य जैसे बहुत बड़े गुरु हैं जो इंडिया में है, तो उन्होंने भी क्या कहा कि आपकी जो पार्ट टू सेलिब्रेशन है वो किसके थ्रू है, नॉलेज के थ्रू। ओके भक्ति मूवमेंट के अंदर डिवोशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई, पर अगर आप सारे निर्गुणा सेक्ट्स को देखोगे, सिखिज्म को अगर आप बेसिकली ले लो, यस तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात की जाती है कि नॉलेज के थ्रू ही आप भगवान को पा सकते हो। जैसे आदि शंकराचार्य ने जब वो दुनिया में, तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप लड़ क्यों रहे हो, फिजिकल क्यों हो रहे हो, कि अगर आप एज अ ह्यूमन बींग आपने इतना डेवलप किया है, आप यहाँ तक पहुंच गए, आपका कॉन्शियस इतना डेवलप हुआ है, तो आज भी आप जानवरों की तरह कैसे लड़ सकते हो, कि अगर आपको किसी दूसरे इंसान को हराना, अपने विचार पेश करो, अगर आप सामने वाले को अपने विचारों से हरा पाओगे तो वो बंदा वैसे ही अपने आप हार जाएगा। यस यस पर ऐसी चीजें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर एरोगेंस, ईगोइज्म बहुत होते हैं, क्योंकि समाज ही हमारे को बता रहे कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह का समाज होगा ना, उसी तरह की लोगों की सोच बनने लग जाएगी। यस 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 और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो सही या सच समझ रहे हो वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट है, उसी तरह से बाकियों के भी व्यू पॉइंट उतने ही सही हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का व्यू पॉइंट गलत नहीं होता, ऑब्वियसली गलत होता है, पर आप जब टॉलरेंस की भावना इससे आती है कि अनेकतावाद, क्या अनेकों सच हो सकते हैं एक यस चीज, यस क्योंकि मेरा सच इकलौता सच नहीं है। तो ब्रदर एक और आपका काफ़ी हिस्ट्री से काफ़ी यूटिलिटी ऑफ रिलीजन को लेके, मतलब आप हिस्ट्री से काफ़ी अच्छा यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं, तो ये क्या बुद्धा का जो यूटिलिटी ऑफ रिलीजन जो है उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। मतलब बुद्ध को अगर आप देखें तो बुद्ध ने बुद्ध के ऊपर, बुद्ध को जब भगवान के ऊपर क्वेश्चन किया गया, हाँ बुद्ध को जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन किया गया जो कि इस दुनिया के हिसाब से नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, भगवान होता है नहीं होता, तो बुद्ध ने क्या कहा कि मुझे इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि आपका जीवन कैसे इंप्रूव होगा, ओके आप अपने जीवन को किस तरह से सही कर सकते हो, कि अगर आप ये जान भी लोगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। हर एक ब्रांड का, एप्पल, सैमसंग, इनका एक, हर एक का अपना टैग होगा, एक यस लोगो होगा, इनकी एक टैगलाइन होगी, और यस इनके कस्टमर्स होंगे। यस अब वो ही कस्टमर कभी एक कंपनी में चले जाएंगे, कभी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, क्यों जाएंगे, अगर वो उनको बेटर प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट ऑफर करती है। दिस इज बेसिकली द इकोनॉमिक्स ऑफ एनी कंपनी, या और हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती जाएगी ताकि मैं बाकियों से बेहतर बनती जाऊँ, और मेरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कस्टमर मेरे पास आ जाए, उनके कस्टमर अपने पास आ जाए। दुनिया का को कोई भी धर्म ले लीजिए, हर एक का अपना टैग है, हर एक का अपने लोगो है, हर एक के अपने कस्टमर है जो उनके फॉलोअर्स है। या हर एक धर्म अपने आप को इम्प्रूव इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं खुद को इम्प्रूव नहीं करूंगा तो बाकी धर्म मेरे कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, लोग वहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे।
और हिंदुइज्म इतना बड़ा धर्म इसीलिए है क्योंकि उसने इट हैज विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया, अगर सती प्रथा ही तो हटा दी कि खत्म करो ये धर्म को पीछे खींच रहे, क्योंकि धर्म ऐसा खुद में बहुत प्योर है क्योंकि इंसान उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इंसान खुद सेल्फिश है, करप्ट है, तो वो धर्म को खराब कर देते हैं। धर्म कभी भी खराब नहीं हो सकता, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग खराब होते हैं जिसकी वजह से धर्म के नाम के ऊपर गलत वो आ जाती है। तो आप कोई भी धर्म ले लो, जैसे वैदिक टाइम पीरियड था हिंदुइज्म, सनातन धर्म का टाइम पीरियड, उसमें कुछ कुछ कमियां आई तो नए धर्म खड़े हुए, बुद्धिज्म जैनिज्म, क्या कहेंगे वो कि हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे प्रैक्टिसेस के अंदर सेक्रीफाइस बहुत किया जाता बहुत था कैटल ज्यादा को। तो उन्होंने क्या कहा, इस प्रोडक्ट में कोई कमी है, नया प्रोडक्ट लो जो आपकी कमी है वो हमने दूर कर दी, नॉन वायलेंस। वरना सिस्टम था, बहुत सारे लोगों को अनटचेबिलिटी के सेक्टर में डाल दिया, इन्होंने कहा वी आर ऑल इंक्लूसिव, हमारे पास आ जाओ। अगर आप इसको इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजन को समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा धर्मों के पीछे लड़ना ही नहीं है, धर्म तो कह ही ये रहा है कि खुद इम्प्रूव करो, खुद अपने आप को रिफॉर्म करो। तो इस तरह से हिस्ट्री जब कोई बच्चा इस तरह से समझेगा तो ना ही उसके मन में बायसनेस आएगी, क्योंकि हम किसी भी धर्म को गलत कह ही नहीं रहे, हर धर्म अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम ब्रिटिश हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहते थे लाइटन में या कि हमारे आने से आपको एनलाइटनमेंट हुई। उन्होंने भी कन्वर्जन किए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर कन्वर्जन किए, हमारे यहाँ पर तो क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो हम उसको कभी भी ये नहीं कहते थे क्रिश्चियंस इन्वेडेड इंडिया, क्रिश्चियंस केम टू इंडिया, या फिर क्रिश्चियंस कन्वर्टेड इंडिया। हम या मुस्लिम्स के लिए कहते हैं यस द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर दैट केम टू इंडिया, हमने ये तो नहीं कहा फर्स्ट क्रिश्चियन दैट केम टू इंडिया वॉज कैप्टन हॉकिंस या इस तरह से कुछ। क्यों, नैरेटिव, नैरेटिव आप जो नैरेटिव रखोगे लोग उसी को मान लेंगे, आपको बस बहुत स्ट्रांगली पुश करना उस नैरेटिव को। एंड इसी वजह से जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इट इज जस्ट अ नैरेटिव, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से लिखी गई, ठीक है, और हमने उसको पढ़ लिया, वो एक सिर्फ पर्सपेक्टिव है। गाइज ऑन पापा सॉरी, हम लोग अभी बात करेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट को लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्यों देने चाहिए, और मतलब कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स क्यों देने चाहिए। वो कवल ब्रो का पर्सपेक्टिव लेंगे इस पे कि, तो कवल ब्रो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट जब 25 और 24 एज क्रॉस कर जाता है, तो मतलब उस टाइम उन लोग को एज ए अल्टरनेटिव चूज क्यों करना चाहिए, मतलब उस टाइम उसको लाइफ में मतलब क्या 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 तो मतलब। बेसिकली यहाँ पर ये समझो, अगर आप अभी 24-25 या 26 साल के हो, आपने 2 कटम दे दिए, और आपको अगर अभी आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज नहीं किया ना, हाँ आप 30 साल की उम्र में जब जाके करने की कोशिश करोगे तो किसी भी चीज में जाओगे तो आपसे बहुत छोटे बच्चे वहां पर होंगे, जैसे वो 21-22 में आ जाएंगे, यस, ग्रेजुएशन के बाद ही आ जाएगा वो। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप उनसे कम्पीट कर लो, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमारे से ज्यादा एडवांस्ड होगी। आपने पहली बार फोन कब चलाया था, एंड्रॉइड फोन तो नहीं था उम्र क्या थी आपकी, उस टाइम होगी तो 18 की होगी। 18, क्योंकि मैंने भी 18 की उम्र में चलाया। हाँ आजकल के बच्चे कितनी उम्र में चलाते हैं, वो 6-7 years। 6-7 ईयर। तो जिस बच्चे ने टेक्नोलॉजी बचपन से ही इतनी ज्यादा देख ली है, आप उसके कैसे कम्पीट करोगे, वो आपसे ज्यादा एडवांस्ड होंगे ही होंगे अच्छा उन चीजों में। अब नो डाउट अगर आपका अलग तरह का प्रोफेशन है तो वहां पर आप कम्पीट कर सकते हो, पर जो बच्चा 5-6 साल इस फील्ड में लगा दे वो अपने फील्ड, अब मैं अगर आज इंजीनियरिंग में वापस जाना चाहूँ तो मैं कम्पीट नहीं कर सकूंगा नए बच्चों के साथ, क्योंकि वो उस तरह की टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं, जो मैं जाके अब सीखना शुरू करूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ढंग से तैयारी करो। पहले 2 अटेम्प्ट तो आपको पता है कि हमने ढंग से तैयारी किया, अगर कुछ कमियां रहती हैं तो मैं जॉब के साथ पूरी करूंगा, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे दूंगा, इतना तो आप दे ही सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि जॉब के साथ मेरे को टाइम नहीं दे सकता मैं, तो आपको सिक्योरिटी के साथ फिर रिवॉर्ड भी नहीं मिल सकता, आपने सिक्योरिटी ले ली बैकअप की, अब आपको रिवॉर्ड भी उतना बड़ा चाहिए, तो अगर रिवॉर्ड चाहिए तो उससे मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब के साथ ही 2-3 घंटे दो, और एक्सक्यूजेस किसी को देके क्या ही कर लोगे। एंड देन इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट योर करियर, एंड यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये कवल ब्रो मुझे आप ये बताइए कि ये 25 जो एज है उसके बाद का जो 25 से 30 का, वो क्यों क्रूशियल है, मतलब कि वहाँ पे अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो लाइफ में मतलब कि काफ़ी कुछ मतलब कैरियर ही बर्बाद हो सकता है, मतलब अगर आप। बेसिकली ये है कि हमारे को ना ये लग रहा है कि ये जो यूपीएससी है ना वो 10th 12th या कॉलेज लेवल के एग्जाम्स है, तो हमारा टेम्परामेंट वो होता है, अच्छा
इस एज ग्रुप में ना अगर आप नहीं बन पा रहे तो आपके माँ बाप भी बूढ़े होंगे, यही वो उम्र है ना जब आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो उनको बीमारियां लगती हैं, उसका अलग तरह का प्रेशर है। आपके घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा, हम इंसान है, हमारे परिवार होते हैं, हम अमेरिकन सोसाइटी में नहीं रह रहे कि यस यू हमारे घर में कुछ हो रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। तो जितना लंबा स्ट्रगल के पीरियड को खींचते रहोगे ना, उसके साथ उसकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज वे हायर देन द स्टूडेंट पासिंग इन द लास्ट अटेम्प्ट। यस यूपीएससी का डाटा यही है कि डेटा पहले थी अटेम्प्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चे पहले अटेम्प्ट वाले निकलते हैं हर साल। अगर ये गेम नॉलेज की होती, कंटेंट की होती, तो लाख ही बच्चे के पास तो आप कंटेंट को हरा ही नहीं सकते, उसने 6 साल से आपसे ज्यादा पढ़ा है जो सिक्स अटेम्प्ट में है, तो क्यों हरा देता पहले अटेम्प्ट वाला बच्चा। बर्डन नहीं है दिमाग पे, प्रेशर नहीं है दिमाग पे ओके उतना, हर साल प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वो एक टॉपर था, वो सिक्स अटेम्प्ट में बन गया, हाँ यस ऐसे यस तो बहुत सारे लोगों की लॉटरी भी निकलती है। एक्सेप्शन पे तब हमने जनरलाइज करना शुरू कर दिया कि किन लोगों ने किया। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को मान लो, अब 100 बच्चे बैठे हैं जो सिक्स अटेम्प्ट में, उनको कहूंगा ना कि सिक्स अटेम्प्ट में एक बच्चा बन गया था, तो दोबारा से मेहनत करने लग जाओ। यस ये नैरेटिव मतलब कोचिंग हाँ, द्वारा प्रमोट किया जा रहा है इन द एंड कोचिंग इज एन इंडस्ट्री। या अब इंडस्ट्री कोई भी हो, बिजनेस इज द मोटिव, और अगर ढंग की कंपनी है तो उसको पता है कि मैं बिजनेस अगर लेके आना चाहता हूं तो मैं बहुत ढंग का प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं, एक तो ये व्यू पॉइंट हो गया। या फिर कंपनीज फॉल्स सेलिंग कर सकती हैं, तो अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी बनना है तो ऑब्वियसली आप एक एथिकल वैल्यूएबल प्रोडक्ट दोगे, आप बच्चों को नहीं लूटोगे। पर यहाँ पर कुछ, क्योंकि एडटेक अवे, एडटेक डिजिटल रेवोल्यूशन, तो तभी एक ट्रस्टेड चीज के साथ ही हमेशा जाना चाहिए। तो यूपीएससी एस्पिरेंट को आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट सजेस्ट कर रहे हो? दो दो ओनली हाँ, नहीं, दो ढंग से तैयारी करके दो फुल दे दो। फ्लेज्ड योर टू अटेम्प्ट हाँ, दो अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद किसी जॉब को ज्वाइन कर लो, साथ में यूपीएससी की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा सपना छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने ढंग से तैयारी करनी हो तो 2-3 साल में हो जाएगी, जब तक आप दो अटेम्प्ट दोगे। उसके बाद फिर आपको सारा दिन नहीं पढ़ना, जॉब मिल जाएगी तो थोड़ा दिमाग पे बोझ कम रहेगा। ओके क्योंकि ओके मैं सिर्फ उन बच्चों के, क्योंकि मैं यहाँ पर आके सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बोल सकता जो बन जाएंगे, ओके okay. पीछे लाखों बच्चे हैं जो नहीं बनेंगे, उनको भी तो देखना है ना, उनको भी संभालना है। ब्रो डेटा और फैक्ट्स तो ये बोलता है कि यूपीएससी में 98% या 97% कैंडिडेट सक्सेसफुल नहीं नहीं होंगे. होंगे, यस यस होंगे कैसे, उतनी ही सीट्स हैं, उतने ही बच्चे निकलेंगे। तो कोचिंग कभी फेलियर्स की फोटो नहीं लगाएगा, हमेशा टॉपर्स की ही लगाएगा। फेलियर्स को कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पर फेलियर होने का मतलब फेलियर नहीं है। ओके कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत, कि अगर जैसे एक बच्चे को मैं मिला था, दोपहर को रिजल्ट आया, इंटरव्यू का नहीं हुआ, शाम को वो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है पढ़ने के लिए। इतनी डेडिकेशन होती है बच्चों में। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि थोड़े मेहनत से काम चल जाएगा, कभी छुट्टी ले ली उससे काम कर चल जाएगा, नहीं चलेगा, यूपीएससी में नहीं चल सकता, बिकॉज आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो हर कुछ लगा के इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज ऑन पापा सॉरी, अब हम लोग रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं. तो कवल ब्रो वेलकम ऑन रैपिड फायर राउंड. राइट, तो रैपिड फायर राउंड का सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि यूपीएससी जर्नी में आपने आपका फर्स्ट मेल फ्रेंड कौन था? वही रूममेट था रहा, इन मेल्स में, और इन फीमेल्स में कोई फेमेल इंटरेक्शन ज्यादा करते नहीं थे, वेरी नहीं रखते थे? कंसर्न अबाउट द स्टडीज की करना है ये। तो ब्रदर ये बताओ कि थर्ड क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड का ये है कि कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी में, अगर मतलब. कोचिंग ढंग से है तो बहुत ज्यादा फर्क डाल सकते हैं, कोचिंग बहुत रेलिवेंट है आज के टाइम में, ओके कोचिंग इज रिक्वायर्ड। ओके यूपीएससी एस्पिरेंट को प्रीलिम्स एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए प्रीलिम्स के? आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लो, उसको बहुत ढंग से कर लो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो 30-35-40 की हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना सिर्फ आपका काम नहीं है, उस टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करना कि मेरी गलतियां कहाँ पर है, मैं क्या इससे सीख सकता हूँ। तो टेस्ट देने के बाद 3-4 घंटे का काम अगर आप हर बार कर रहे हो, तो 30-35 एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज इज मोर देन एनफ। और मेंस के लिए कितने टेस्ट सीरीज देने चाहिए? अगेन, अगर मान लो आप आंसर लिखते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ढंग का आंसर होता, कि आपको यही वैल्यू इनपुट्स नहीं मिल रहे, दैट हाउ टू राइट अ गुड आंसर, आप 1,000 आंसर लिख दो,
अगर आपने 5 लिखे, आपको कोई समझाने बताने वाला है कि ये गलती है, इसको इस तरह से इम्प्रूव करना है, तो हर सब्जेक्ट का अगर मैं मान के चलूँ तो 3 से 4 टेस्ट अर्न होते हैं हर सब्जेक्ट का। ओके 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 अगर आप उस प्रोबेबल कैंडिडेट्स में आना चाहते हो वो विल क्लियर है। ओके ओके तो ये मेरे को ये बताइए कि आप यूपीएससी जर्नी में फर्स्ट टॉपर जिसका आपने नाम सुना था, तीन अभी हमारे टीन टाइम अडाइव, में वही मेल में थे। बताइए। हाँ हाँ तो मेल में 18 में अथर उस में, साल वही वाले। अच्छा, उनका था दोनों का वो हो गया। तो ब्रदर ये बताइए कि ORN आना कितना जरूरी है एक यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई जरूरी नहीं? ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स अ वेरी साउंड एनवायरनमेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इज वाइड स्प्रेड ओवर हियर, पर लिविंग कंडीशन मेरे को लगता है उतना ही महंगा, उतना ही ज्यादा डिफरेबल है वो सारा कुछ। तो अगर आज के टाइम में तो इंटरनेट है तो आपको जरूरत ही नहीं है दिल्ली आने की। इन केस आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन ले लीजिए, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हो आजकल सब देते हैं। सिर्फ एक ही फायदा, अगर आप अपने घर में रह के नहीं पढ़ सकते, आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, सो यू नीड ऑफलाइन कोचिंग, सो यू नीड टू गो इन टू द लाइब्रेरी, वही हिसाब है। पर हाँ ऑफलाइन में चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी हमेशा, बिकॉज वहां पर आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। यस 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 और घर में जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है आधा टाइम बेड में बैठे नहीं हो पाएगा, टेबल चेयर इज रिक्वायर्ड। तो कवल ब्रो मुझे आप ये बताइए कि आप ORN में फर्स्ट टाइम कब आए थे, मतलब इस कोचिंग हब में? ORN में फर्स्ट टाइम मैं आया था जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आया था, बुलाया अच्छा गया था किसी के अच्छा अच्छा द्वारा कि आइए बात करते हैं, तो उस टाइम पर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन UPSC जिसको आप बहुत लव करते हो, इकोनॉमी, इकोनॉमी नॉट और हिस्ट्री? हिस्ट्री, हिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। ओके हिस्ट्री क्या है कि आज तक जो हुआ हर टाइम पीरियड की कहानी है वो। अब मैं मौर्यन एम्पायर की बात करता हूँ तो मैं मौर्यन एम्पायर का क्या बताऊंगा, इनकी पॉलिटिकल पूरी कहानी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी पॉलिटी कैसी, इनका समाज कैसा था, उनकी हिस्ट्री समझाने का कहने का मतलब क्या है, उनकी हर चीज के बारे में पढ़ाना। हिस्ट्री खुद में सब कुछ है और उस सब कुछ में से इकोनॉमी मेरे को सबसे पसंद है। तो आप YouTube पे मोस्ट सर्चेबल टॉपिक क्या है आपका, मतलब YouTube पे क्या सर्च करना पसंद करते हो? मेरे को YouTube पे आजकल तो मैं YouTube का देखता ही नहीं चलाता, अच्छा आप क्योंकि YouTube चलाते ही नहीं हो? मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, वो मैंने शुरू किया ना पेज हाँ वगैरह, तो हाँ उस पे उस वजह से। पर अगर मैं कभी भी चलाता हूँ तो ओशो सुनता हूँ। ओशो सुनते हो हाँ आप? मेरे इंस्टाग्राम फीड पे भी सारा टाइम ओशो आता है, कि जितने भी पेज है ओशो के वो मैंने सब फॉलो किए हुए हैं, तो ओशो ही चलते हैं। फर्स्ट फिल्म यू वॉच्ड इन थिएटर? ये तो नहीं मेरे को याद, मेरे को जो बचपन का याद है वो गदर भाई, गद्दर आपने थिएटर में देखी है? गदर। हाँ वो मेरा बचपन का याद है कि मेरे पापा के साथ देखी है। मेरे आपका फेवरेट हीरो इन बॉलीवुड? को शाहरुख खान बहुत पसंद शाहरुख और खान, वो फीमेल फीमेल एक्ट्रेस में फीमेल में कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, सब अच्छी लगती है, सब अच्छी सब लगती अच्छी है? गूगल लगती को हाउ इफेक्टिवली यूज, मतलब कि गूगल पे आप क्या सर्च करना पसंद करते हैं, मतलब है। कैसे? सर्चिंग द गूगल आई प्रेफर मोर ऑन रीडिंग द बुक्स, मैं ओके ज्यादा, मैं ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ इंसान हूँ कि अच्छा, ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। ओल्ड स्कूल टाइप है, अगर मेरे को न्यूज़पेपर में पढ़ना है मैं दूसरा न्यूज़पेपर लूंगा, फिजिकल फिजिकल मतलब? मैं वो नहीं करूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं खुद से खुद के नोट्स बनाऊंगा। तो मैं उस तरह का हूँ कि गूगल, ऑब्वियसली गूगल इज अ रिक्वायर्ड थिंग, कि ऐसा नहीं आप कर सकते, पर गूगल का उतना ज्यादा सर्च नहीं करता मैं किताबों के ऊपर ज्यादा नहीं। तो कल ब्रो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम करता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? बेसिकली दुनिया में कोई भी चीज हो वो डबल एज स्वॉर्ड है, उसके उतनी ही डिस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटीज है, उतनी ही कंस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटीज है। इट इज अपॉन यू दैट हाउ यू आर चूजिंग इट। ओके ओके अब जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे तो उसमें ओशो ही चलेगा ऊपर से लेके लास्ट तक, या फिर साइंस के फैक्ट्स होंगे। ओके ओके अगर आप डांस वाली वीडियोज देख रहे हो तो आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है वो, बेसिकली वो आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। सो इट इज अपॉन यू दैट हाउ यू आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया। बहुत लोग करियर बना लेते हैं सोशल मीडिया में, बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं और उसी सोशल मीडिया के ऊपर आप हर रोज स्क्रॉल करते हो, अपना करियर खराब कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग जो बच्चे नहीं समझ पाते वो ये है कि ये सोशल मीडिया आपके कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को कम कर रहे हैं। ओके हर 20-60 सेकेंड की जब आप इतना कंटेंट रैपिडली कंज्यूम करने लगते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन गिरता है, तो आप किताबें पढ़ ही नहीं पाओगे, आप इतना लंबा बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान आपको हर 60 सेकंड में कुछ नया चाहिए। अगर आपको वो चीज ढंग की नहीं लगेगी तो आप 5-6 सेकंड में उसको स्किप कर दोगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी लाइफ में डेटिंग ऐप यूज़ किया? डेटिंग ऐप, टिंडर? हाँ और हाँ
उस टाइम पे किया ना, जब कॉलेज से बाहर, जब तैयारी के बाद जॉब मिल गई थी, अब पता अच्छा है कि ठीक है करियर निकलेगा क्योंकि पढ़ना आ चुका है, तो उस टाइम पे की है, पर वो सेंस ही नहीं है उस चीज ओके का। ओवर द टाइम्स अगर रियलाइज, पीछे मैं मुड़ के देखूं, नहीं फायदा नहीं है, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, बहुत ज्यादा, कि जब तक इमोशंस कनेक्ट ना करें तो मैं उस तरह की चीजों में, मेरे को समझ में ही नहीं आता। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो ब्रदर आप टी प्रेफर करते हो कॉफी? चाय। टी कर दो प्रेफर, राइट? आपने बताया कि आपका बुक्स पढ़ने की आपकी हैबिट्स, राइट? तो उसमें आप तीन तीन नॉन फिक्शन बुक्स हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहिए, नॉन फिक्शन। फिक्शन में अभी जो लेटेस्ट, अच्छा मतलब बेस्ट बताती हूँ। हाँ, बेस्ट में बताइए। नॉन फिक्शन में ज्यादातर तो ओशो पढ़े, मतलब अच्छा, अगेन ओशो पढ़े, उसके अलावा पॉलो पॉलो पढ़ता हूँ काफी, अच्छा एल्केमिस्ट पढ़ी हुई है मेरे को, किताब पढ़ा तो सुन लगती है। उसके अलावा यूवल नोआ हरारी को मैं मानता हूँ कि ही इज अ वेरी गुड राइटर, कि जो उसने होमो सेपियंस लिखी है, हाँ तो उस किताब ने मेरे माइंडसेट को बहुत चेंज किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जीवन के ऊपर दस्तेवस्की, रशियन राइटर है वो आपको खत्म कर सकता है, है, मैं खत्म इन द सेंस कि वो आपको ये इतना फील करवा सकते हैं कि हम बहुत छोटी चीज है, इंसान कुछ भी नहीं होता, वो इस तरह का राइटर है। पर उसको वही आगे, वो एक अलग डायमेंशन है चीजों के बारे में। व्हाट यू लव डूइंग इन फ्री टाइम, मीन्स एज ए हॉबी क्या परस्यू करते हो? फ्री टाइम में डिपेंड करता है कि कहाँ पर हूँ, तो उस जगह के हिसाब से, अगर मैं अपने घर पर हूँ जहाँ पर मेरा कंफर्टेबल जोन है, तो मैं तो कुछ ना कुछ देखूंगा टीवी के ऊपर। अगर मैं पढ़ वगैरह नहीं रहा, अच्छा, बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं या तो प्ले स्टेशन खेलूंगा या फिर टीवी में जियो, जैसे आजकल गेम ऑफ थ्रोन्स देखता हूँ। तो ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी तीन फ्रेंड्स को बुलाना चाहे हाउस पार्टी के लिए अपने घर में, मतलब पार्टी करने, तो तीन फ्रेंड्स कौन होंगे आपके लाइफ में जो अभी? अगर तीन फ्रेंड्स ही हो तो जो मेरे साथ तैयारी के टाइम में थे, फिर उन्हीं को कॉल करो। हाँ, जो मेरे पीजी वाले थे, उन्हीं को बुलाऊंगा। वही मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है महकमी, संदीप था, जशन है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाए, फिर तीन नहीं आएंगे, वो सारे आएंगे, तो ग्रुप ही आएगा? दैट ओके ओके वाज द बेस्ट। बच्चे ये रियलाइज नहीं करते, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, दैट इज द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू हैव द एक्सेस टू ऑल द नॉलेज दैट यू कैन गेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके दिमाग के ऊपर उतनी टेंशन ही नहीं, आपको लगता है कि 1-2 साल तो लगेंगे यूपीएससी में, तो आपको वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है यूपीएससी का, जब आप पहले 2 साल में होते हो ना तैयारी के, वो ही है बस। तो ब्रदर, ये रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जो ब्रदर से पूछूंगा। तो ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि डू यू प्रिफर टू बी, मतलब अरेंज मैरिज करना चाहोगे कि लव नहीं, मैरिज? मेरी मैरिज हो गई है आपकी मैरिज हो गई है अभी, वही है 2 महीने पहले, 2 महीने पहले भी? तो वाज इट, मतलब इट वॉज कि अरेंज मैरिज, मैंने बहुत देख के अरेंज मैरिज किया, कि ऐसा नहीं है कि अरेंज में भी जो, सो आई टुक नियरली अबाउट 1.5 ईयर टू फाइंड दैट गर्ल। और हाँ, कि बेस्ट, कि जो मेरे को लाइफ पार्टनर मेरा, शी इज बेस्ट, कि मेरे को समझाना नहीं पड़ता दैट दिस इज मी, कि मेरा ये दायरा है, कि अगर जैसे मैं लेक्चर के बाद, मेरा मुंह दुखता है कि अगर आप 5-6 घंटे के लेक्चर लेके आ रहे हो, मेरा नहीं मन किसी से बात करने का, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद एनीवन। सो शी अंडरस्टैंड इट, कि इसको अपनी जगह चाहिए, ये टीवी के सामने जाके बस बैठेगा, अभी 1 घंटा किसी से नहीं बात करेगा, मेरा मुंह दुख रहा है, मैं इतना बोल के आया हूँ, मैं नहीं बोल सकता किसी से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, शी हैज मेड माई लाइफ अ बेटर प्लेस, अ ब्यूटिफुल थिंग, की वैल्यू एड की है। और जब वो मैं देख रहा हूँ, तो मैं भी उतना ही कोशिश करता हूँ, दिस इज वॉट मेक्स अ रिलेशनशिप ब्यूटिफुल, क्या वैल्यू एड करते हो आप अपने फायदे के लिए, नहीं दूसरे को यूज कर रहे, आप उसके फायदे को देख रहे हो कि वो, और जब दोनों इंसान ऐसे करते हैं तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है। तो ब्रदर ये जो मैरिज का है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, और उनको कब, एट व्हाट एज उनको मैरिज कर लेना चाहिए आपके हिसाब से, ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं? ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब गलत है क्या? ये समझो कि मैरिज मेरे को ये लगता है कि तब करना चाहिए जब आपको सही इंसान मिल जाए, और जो आपके साथ सही रास्ता, मतलब कोई भी रास्ता आ जाए उसमें चलने को तैयार, तो एज मैटर नहीं करती। मेरा एक दोस्त है, ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो लव मैरिज थी, अब कंडीशन ऐसी थी कि करनी पड़ेगी, तो थोड़ा माहौल ऐसा था, तो उसने किया, ही स्टिल सर्वाइव, आज तक
ढंग से कर रहे हैं, तो उसने उस टाइम पे भी की, आज भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने अभी तक नहीं की, इज अ पीसीएस ऑफिसर आल्सो, मैंने इस टाइम के ऊपर कर ली। तो हर एक का अपना जर्नी होता, पर ये जरूर कहूंगा कि पैरों के ऊपर बंदा थोड़ा बहुत स्टैंड हो जाए, खुद को ढंग से होल्ड अप करने लग जाए, तब शादी करने। तो गाइस आज का रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ गाइस। तो कवल ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी राइट। तो आपने मेरे को बोला है, मैं अपने व्यूज रखता हूँ, तो आई शुड बी थैंक। ओके ओके, बट आपने जो जर्नी शेयर किया ना यूपीएससी को लेके, यूपीएससी का जो पर्सपेक्टिव दिया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में, वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसके लिए तो मैं रियली में दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। बस ये डिस्क्लेमर है दैट दिस इज ओनली अ पर्सपेक्टिव अगेन। ओके, ये मेरा व्यू पॉइंट है। इसको 100% कॉपी अगर करोगे तो आप मेरे व्यू पॉइंट को कॉपी कर रहे हो। यस, अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा हमेशा। नेवर कॉपी एनीवन 100%, नेवर बी अ फैन ऑफ एनी पर्सन। या क्योंकि ये हमेशा मान के चलो हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, होती है। हम जब किसी इंसान को फॉलो करने लग जाते हैं ना ब्लाइंडली, तो गलत करते हैं। ओके ओके, तो ये मतलब आपका व्यू पॉइंट है राइट। अगर ठीक लग रहा है देन इट्स ओके, बट डू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। ओके 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 कवल ब्रो थैंक यू, वी आर एंडिंग दिस इंटरव्यू ऑन पापा सॉरी। और मुझे तो काफ़ी मजा आया कवल ब्रो से बात करने करने में, और अब मैं होपफुल हूँ कि आप लोग को भी मजा आया होगा एक कन्वर्सेशन से। ओके गाइज थैंक यू।